सभी को जय मसीह की। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि लोगों के पास परमेश्वर के लिए समय नहीं। क्यों? जिसने तुम्हें बनाया, रचा, जिसने तुम्हारे खातिर अपने ऊपर तुम्हारी सजा ली, जो सजा तुम्हें मिलने वाली थी वो अपने ऊपर लेकर कुर्बान तक हो गया, क्या तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है आज? क्या परमेश्वर के लिए 5 मिनट का समय भी नहीं है उसका धन्यवाद करने के लिए? अरे मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु को समय दो। हम परिवार को समय देते हैं, फैमिली को देते हैं, फोन को समय देते हैं, पूरी ड्यूटी को समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं आज इंसान के पास। सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। जब न्याय होगा तो ये नहीं पूछा जाएगा तुमने क्या किया, अरे तुमने क्या किया परमेश्वर के लिए, कितनी संगति की, कितनी देर बैठे, ये काउंट होगा ना कि ये, चाहे तुम कितना दिन रात मेहनत करो, ये सब व्यर्थ है परमेश्वर की नजर में। आज परमेश्वर को समय दो, अपनी जीवन को दो, जिम्मेदारी है, उससे कोई भाग नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर को समय देना बहुत जरूरी है। जैसे तुम कान को समय देते हो वैसे परमेश्वर को भी समय दो, ना कि मांगना सिखाता है। वचन में हम देखेंगे, अगर हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनीकियों तो उसके 11 में लिखा है, जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है उसे चुपचाप हमें करना है, और क्या करना है, अपने हाथों से कमाने का हमें करना है, प्रयत्न करना है, अपनी मेहनत से हमें कमाना है, ताकि बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। बाहर वालों से क्या, जब तुम कमाओगे तो बाहर वाले आदर भी करेंगे, कमाओगे नहीं, लोगों से मांगोगे तो अनादर होगा, इसलिए कम तो आदर होगा। और दूसरी बात क्या लिखा है, और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। जब हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी, किसी के एहसान नहीं हमको लेना पड़ेगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है मेहनत करो और कमाओ, तभी तुम्हारे पास किसी चीज की घटी नहीं होगी। देखिए, शरीर में स्ट्रांग होने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, अच्छी मेहनत, राइट? लेकिन आत्मिक जीवन में स्ट्रांग होने के लिए हमें क्या चाहिए, आत्मिक भोजन चाहिए। और आत्मिक भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन, यानी हर दिन की रोटी। हम कहते हैं परमेश्वर हमें हर दिन की रोटी दे, वो रोटी वैसी रोटी नहीं होती, गेहूं वाली रोटी नहीं, परंतु वो रोटी यानी परमेश्वर का वचन। और वचन, अब ये बताओ, जब इंसान खाना खाता है, खाना खाया, जब वो पचाता है तब ताकत बढ़ती है। अभी तुम परमेश्वर के वचन को ले रहे हो लेकिन उसको पचा नहीं रहे, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, तो क्या फायदा, ताकत कहां से आएगी? तुमने वचन खाया लेकिन तुम्हें हजम नहीं हो रहा और वो बाहर निकल गया, तो कहां से ताकत आएगी? ताकत तब आएगी जब परमेश्वर के वचन को तुम पचा लोगे। आज बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञा को पचा नहीं पाते, बहुत से लोग व्यभिचार को छोड़ नहीं पाते, ड्रिंकिंग को छोड़ नहीं पाते, गालियों को छोड़ नहीं पाते, गुस्से को नहीं छोड़ पाते, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर पाते, तो कहां से परमेश्वर के आत्मिक जीवन में तुम्हारी बढ़ोतरी, कहां से स्ट्रांग होगे? और जब तुम पहचानोगे परमेश्वर के वचन को, तो तुम देखना कितने भी कलेश तुम्हारे जीवन में आए, तुम सबसे पार निकल जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम आत्मा में स्ट्रांग हो। आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देखिए मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर को जानता है, आज उस इंसान को मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए मर जाओ, मिट जाओ, जो छोड़ना है छोड़ दो परमेश्वर के लिए, पर तुम परमेश्वर को पालो तुम, क्योंकि तुम उस जीवते परमेश्वर को जान गए हो। क्या जानवर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? क्या पेड़ पौधे कर सकते हैं? क्या अविश्वासी इंसान कर सकता है? नहीं, परंतु वही कर सकता है जो परमेश्वर को जानता है, यानी एक विश्वासी इंसान। अस तुम परमेश्वर के लिए जी सकते हो, परमेश्वर के वचनों को पूरा कर सकते हो जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखे। अविश्वासी कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि वो जानता नहीं, पर तू जो जान गया वही परमेश्वर के लिए कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, और तुम्हें मौका है कि प्रभु के लिए जियो, चाहे तुम्हें कुछ भी छोड़ना पड़े। अब्राहम ने अपनी औलाद तक को होम बलि पे चढ़ा दिया था परमेश्वर के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? आज हमें करने की जरूरत है परमेश्वर के लिए, वरना बहुत पीछे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को जान लिया है। अब हमारा काम है उसके वचनों के द्वारा करना और चलना और अपने काम को पूरा करना। अपनी मसीह की दौड़ को पूरा करो मेरे भाई और बहन।